महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार सदन में कोई चर्चा नहीं करना चाह रही है। पहली बार देखा जा रहा है कि संसद में जब विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगते हैं। विपक्ष को सदन में अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह विचार सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के तहत सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जुजारपुर से खजूरी महदौरा होते हुए ग्राम सोनारी तक लगभग 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण जनों को संबोधित कर कहे। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र पर वार कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है, जांच एजेंसियां सीबीआई ईडी का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, हर तरफ भय का माहौल है। इसलिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ताकि सरकार का सच जनता तक पहुंच सके। अभी आपने बहुत विस्तार से सारी बात सुन ली, ये पदयात्रा क्यों हुई तो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि अभी 4 तारीख को, यही 4 तारीख को बहुत बड़ी रैली हुई थी दिल्ली में महंगाई के ऊपर, महंगाई पर हल्ला बोल रैली राहुल गांधी जी के आह्वान पे। कांग्रेस के लोग वहाँ पहुँचे थे, कम से कम 2-2.5 लाख लोग रामलीला मैदान में पहुँचे थे। बहुत बड़ी सफल रैली हुई थी, आम सभा हुई थी। उसमें अपना भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी हर तरह से लोकतंत्र पर वार कर रही है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, हर जगह भय का माहौल, मीडिया को इतना डरा दिया है कि मीडिया सिवाय भाजपा के दूसरी कोई बात नहीं करती। आप कोई भी चैनल उठा के देख लो, अखबार देख लो, मैं तो कह रहा हूँ 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता करे छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसको आप देखो कितना मीडिया में कवरेज मिल रहा है। अभी मुझे जितेंद्र पठारी दिखा रहे थे, मोबाइल पर आया है उसकी फोटो वीडियो आई है, कम से कम 40,000 लोग चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, कम से कम 40,000, और मीडिया तो बोल ही नहीं। अखबारों में आप देखो फ्रंट पेज पे कहीं समाचार नहीं है, अंदर कहीं छोटा सा समाचार। तो इस तरह से मीडिया पूरी तरह से दब गई। आपकी जुडिशरी यानी न्यायपालिका, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे रहे। किसी में अगर भारत सरकार पार्टी है तो सुप्रीम कोर्ट से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश सरकार पार्टी है तो हाईकोर्ट से उम्मीद नहीं कर सकते। अब तो पहले ये होता था कि छोटे कोर्टों से कम उम्मीद करते थे, बड़े कोर्टों से न्याय की ज़्यादा उम्मीद होती थी लोगों को, अब उल्टा हो गया है। छोटे अदालत में सेवड़ा बतिया वहाँ आपको न्याय मिल सकता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा। पूरी तरह सरकार के प्रति सरेंडर। निर्वाचन आयोग का आपने सुना ही होगा, कितना ताकतवर हुआ करता था निर्वाचन आयोग, आज निर्वाचन आयोग सरकार की चमचागिरी करता। कोई अभी भांडेर में जो उपचुनाव पिछले साल हुआ था, फूल सिंह बरैया जी लड़े थे, पहली बार मैंने देखा उस उपचुनाव में कि नाके लगाए जाते हैं, नाकेबंदी की जाती है। दतिया से कोई भांडेर विधानसभा में जा रहा है तो बॉर्डर पे चेकिंग होती है, उस तरफ यूपी से आ रहा है तो चेकिंग होती है, चेकिंग होती थी। एक आध बार मेरी भी गाड़ी रुकवाई उनने, मुझको देख के कह दिया ठीक है आप जाओ, और गाड़ियों की डिग्गी खुलवाई, तलाशी ली। लेकिन आखिरी तीन दिन पहले पूरी प्रक्रिया खत्म, नाके पे पुलिस खड़ी थी, बैरियर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया, स्थगन प्रस्ताव लगाया, कई तरह के प्रस्ताव होते हैं कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उसकी चर्चा के लिए, तो लोकसभा अध्यक्ष ने सबको निरस्त कर दिया। मतलब महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है देश में, कितना बड़ा मुद्दा है महंगाई, महंगाई पे चर्चा ही नहीं होगी, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं करनी थी। और पहली बार मैंने देखा है कि संसद में एक उल्टी गंगा बहने लगी। आप लोगों ने भी पहले आप देखते हो टेलीविजन पे, जरा गौर से देखना, संसद सत्र चलता है या विधानसभा का सत्र चलता है तो विपक्ष को मौका मिलता है, विपक्ष खूब चीखता है, चिल्लाता है, समस्याएं रखता है और कई बार हंगामा हो जाता है तो स्थगित करनी पड़ती है, एक घंटे के लिए स्थगित कर ली, उसके बाद फिर बैठ बुला ली, कभी कभी पूरे दिन के लिए स्थगित कर देते हैं, दूसरे दिन की कम से कम शांति हो जाए, फिर अध्यक्ष बुला के विपक्ष के और प्रतिपक्ष के नेताओं को बातचीत कराते हैं कि नहीं आप सुनो तो सही, कम से कम फिर शांति हो जाती है। पहली बार हुआ है जब से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं कि विपक्ष नहीं, सत्ताधारी पक्ष हंगामा करता है। विपक्ष कोई भी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा है तो खड़े हो जाएंगे, हंगामा करेंगे, नहीं चलने देंगे सदन को, और आखिरी में मिली भगत है अध्यक्ष उनका, उनने सदन स्थगित कर दिया, एक दिन के लिए कर दिया, आधे दिन के लिए कर दिया, कभी 2 दिन के लिए कर दिया। पहली बार सत्ताधारी पक्ष नहीं। दतिया से ईडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।